हमारे दोस्त लोग यहाँ पे सारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भंकोर जो हमारी जो संस्कृति नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गर्सन वाला पर। तो आज हम हैं कोठार में, तो यहाँ पर आज बाबा भैरवनाथ की जो डोली है वो बाहर निकलने वाली है 3 साल बाद करीब, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी बन रहे पहले तो। और देखिए सामने है कोठार, वहाँ पे जाना है हमें, और चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो मंदिर दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में, पहले पहुँचते हैं वहाँ तक क्योंकि पैदल आए हमें, गर्सन से पैदल आए यहाँ तक, तो देखते हैं कैसा रहता है सफर। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं कोठार में, और मिल चुके हैं भाई लोग हमारे, नरे भाई आपका नाम भाई, भाई और बाबू भाई। तो मिल चुके हैं भाई लोग हमारे और मंदिर में पहुंच चुके हैं, नए बने ने पूरा मंदिर नया बना है, आप देख सकते हैं वहाँ पे नया मंदिर बनाया पीछे, और पुराना वाला मंदिर उधर देख सकते हैं आप, पत्थर वाला वहाँ पे पुराना मंदिर, और एक पुराना मंदिर है और नया बना है, बिल्कुल ज़बरदस्त बना है, और बाबा भैरव की कृपा है यहाँ पे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और आज का सीन आपको दिखाएंगे कितना बढ़िया होने वाला है आज का कार्यक्रम, और बाबा भैरवनाथ की डोली है जो बाहर निकलेगी अभी, और शिवालय पे जाएगी, तो दिखाएंगे पूरा कार्यक्रम आपको। और यहाँ पर हमारे कारीगर साहब पकौड़ी की तैयारी है ना, पकौड़ी है टिपू जी, नाश्ते के लिए तैयारी हो रही है यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे कटिंग देख सकते हैं आप लोग। तो जय भैरवनाथ स्वामी, जय कोठार काशीलाल भैरवनाथ स्वामी। तो देख सकते हैं आप लोग नया मंदिर बना है यहाँ पे, और कितना सुंदर सजाया हुआ है यहाँ पे, और रंग देखिए आप मंदिर का, बिल्कुल भैरवनाथ स्वामी का फेवरेट कलर बोल सकते हैं लाल। तो ये गेट बना है नया और मंदिर में है नए साल, कितनी लागत होगी इसकी? 15 लाख। मंदिर और धर्मशाला साथ में, वो लागत करीब 15 लाख है इसकी, और काफ़ी अच्छा बना है, और यहाँ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं, विधायक साहब भी, विधायक साहब की तरफ से ना। हाँ तो देखिए आप कितना सुंदर सा नज़ारा आ रहा है, देखिए सकते हैं कि यहाँ से मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा, और जो वो पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे आम का पेड़, तो इसमें जो भैरवनाथ स्वामी का जो यंत्र होते हैं और जो उनका चिमटा जो गेरुआ झोली सब इसी आम के पेड़ में है, और बाद में जब स्नान हो जाएगा देवता का तो यहाँ पर स्थापित हो जाएगा भैरवनाथ स्वामी का जो मंदिर है। तो काफ़ी अच्छा माहौल बनने वाला है आज का, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, और आपको नीचे शिवालय का व्यू भी दिखाएंगे और रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ आप लोग। मेरे भाई घंटे बजाते हुए और नया घंटा चढ़ा हुआ है, और देखिए प्रांगण कितना अच्छा बना है, और यहाँ पे धुनी जो है पवित्र धुनी, और श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये पवित्र धुनी चलेगी यहाँ पे, और यहीं पे आज से भंडारे का जो है आरंभ होगा, और मूर्ति स्थापना ना तो अच्छा, तो आज भैरवनाथ स्वामी जी का स्नान होगा, और जो वीर होते हैं साथ में उनका भी स्नान होगा, और नए बाजे भी बने देख सकते हैं आप लोग। हमारी जो परंपरा होती है, हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं अपना ढोल दमाऊ और निशाना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और नया मंदिर बना है, बिल्कुल सुंदर नज़ारा यहाँ पर, घंटे टंगी हुई है मंदिर की, और बहुत अच्छा लिखावट आप देख सकते हैं, और अंदर पूजन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है कुछ क्षणों पश्चात। और देखिए हमारे दोस्त लोग यहाँ पे सारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भंकोर जो हमारी जो संस्कृति में अनूठी संगम है भंकोर का, तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मिल चुके केदारनाथ, तो पिछली बार का भंडारा कैसा रहा, और इस बार से आपको क्या मतलब कैसा रहेगा इस बार भंडारा, इस बार का पिछली बार का कैसा रहा? अच्छा रहेगा, इसमें हुआ था अच्छा रहेगा, जबरदस्त है, याद है कुछ भंडारे की? अरे बिल्कुल यार, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे साउंड आप देख सकते हैं इनके हवाले, बिल्कुल अभिषेक गेस्ट हाउस, कोठारा सब तो ठीक है, मेरे गाँव नहीं बढ़ाते थे, हाँ वो भी ठीक है। तो वहाँ पे है पुराना मंदिर, जो पुराना वाला मंदिर है, और यहाँ पे है नया मंदिर आप देख सकते हैं इधर को जो बना हुआ है नया, और ये प्यारा सा कोठार गाँव। दोस्तों यहाँ पर हमारे बजगीर लोग गुरु लोग आ चुके हैं, तो देखिए काफी देर बाद आए, और
देख सकते हैं। तो अभी धुनि की पूजा होने वाली है, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है आज का। इसके बाद जो है यहाँ पे रखे हैं झोली छिपटी सारी भैरव देवता की, तो आगे कार्यक्रम शुरू होता है। इसके बाद तो भैरवनाथ स्वामी को नए वाद्य यंत्र चढ़ चुके हैं बाजे, देखिए बाजू की पूजा हो रही है। इसके बाद शुरू होता है कार्यक्रम। दोस्तों अभी भैरव देवता का आह्वान हो रहा है और देखिए आप लोग जाकर के साथ, और आप जो पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे जो भैरव बाबा की डोली और जो चिमटी होती है इसमें 84 वीरों की, देखिए माता श्री सगरे मा, जय श्री सागर में माता जगदम नीजोग आश्र जोग देवी भगवान विष्णु की शेष नाग की सयावली, जय शेष नाग की सया में माता अधांगनी लक्ष्मी मेरे देव्या भाला 33 कोटि देवताओं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की देवी तनिया राधा क्या बनो ना, पंचनाम 33 कोटि देवताओं माता शक्ति की आराधना करना क्या, हे पंचनाम 33 कोटि देवताओं तहे दिन का पर्व में आज हाथ जोड़ के अर्ज करने जाता, माता की स्तुति करने जाता, मेरू मंदिर की कपड़ा सजाता, जय श्री सागर में माता तेरे जिना प्रवेश जाला, देवे तहे दिना माता तुमने अष्टभुजा रूप धारण करके जिनारा साथ में एक हाथ में
अतिथि बिंदार बद्रा, अतिथि का देवता और अतिथि का देंत ग्यारवा पोहरा न चला गिरधारी नाग वीर भरत को आदेश सुनो। बारवा पोहरा में बारह नाम की बेरा, सोलह नाम की संन्यास, देखो शेरुबी सोर का चुपचाप देखो शेरू ले दोस्तों बड़ी बड़ी नाश्ता भी कर लेते हैं इसके बाद, क्योंकि लंबा दिन खींचने वाला, लंबा टाइम होने वाला है। तो देखो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं अभी, ठीक है।
जो देवता के बर्तन होते हैं, यंत्र होते हैं, वो भी साफ किए जा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं भैरव बाबा की डोली को सजाया जा रहा है। तो डोली का दृश्य भी आपको पूरा दिखाया जाएगा बाद में। तो अभी सजाया जा रहा है डोली को। सभी लोग जाते हुए शिवालय के लिए अभी यहाँ पर देवता लोगों का स्नान होगा। और ये पीछे आते हुए बड़े भगत बड़े भगत है। चलो चलो शाबाश शाबाश। देखे ये भी दौड़े थे बीच में। वाह वाह वाह। और बस भाई निकल के अभी देखो वीडियो बनाने के लिए। तो भी जा रहे हैं शिवालय के लिए। कैसा लग रहा है आपको बताओ? अच्छा लग रहा है। मजा ऐसे करके भी चलते हैं। देखो भाई कौन से को जरा हम पहुंच चुके हैं धुनार घाट में। देख सकते हैं आप इस तरफ को धुनार घाट है। तो शिवालय के लिए जाएंगे, वहाँ पे देवता लोग स्नान करेंगे, डोली जो है स्नान होगी, डोली का पवित्र हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद वापस फिर कोठार के लिए डोली को अंदर डाल देंगे। उसके बाद
जागरण संपन्न हो गया आज का, मतलब सुबह में और रात को क्या होगा फिर जागरण का? फिर जागरण होगा, ठीक है, जो जगरा था क्या को भंडारा टाइप का रात को होगा। तब चलते हैं, पहले शिवालय का दृश्य दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसके बाद ब्लॉग का एंड भी कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि फोन में बैटरी भी नहीं है। अब चलो शिवालय के लिए। दोस्तों ये है दुनार घाट का पुल, तो यहाँ पर आ चुके हैं देवतागण सारे के सारे और जाना है पुल पार और शिवालय के लिए। आप देख सकते हैं दुनार घाट है ये और नीचे रामगंगा नदी है अपनी। और देखिए दोस्तों अभी देवता लोग आ चुके हैं शिवालय के लिए और आप देख सकते हैं ये है मोक्षधाम शिवालय दुनार घाट। तो ये है कुछ रास्ता थोड़ा से और आ चुके हैं सब लोग यहाँ पे, अभी देख सकते हैं आप लोग। तो दूर से आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ मैं, हो सकता है कैमरा क्वालिटी इतना साफ ना हो पर देख सकते हैं आप लोग, पास से मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इधर आप देख सकते हैं शिवालय मोक्षधाम, यहाँ से देवता लोग जो हैं स्नान करेंगे और उसके बाद यहीं से ऊपर कोठार के लिए निकल जाएंगे ऊपर। तो यह है रास्ता यहीं से शायद शॉर्टकट है ऊपर का। तो इस प्रकार से है आज का ब्लॉग, आप देख सकते हैं देवता लोग स्नान करेंगे भैरव बाबा और डोली जाएगी ऊपर के लिए कोठार के लिए मंदिर के लिए। दोस्तों देवता लोग जा चुके हैं नीचे वहाँ पे शिवालय में स्नान करने के लिए और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है क्योंकि फोन की बैटरी भी हो चुकी है समाप्त। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा बना था। और भैरव बाबा की कृपा आपने बनी हुई है, धन्यवाद। मदद देखिए चैनल के साथ, धन्यवाद।